डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स इस वीडियो से हम क्लासिफिकेशन के से रिलेटेड टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि एक्चुअली क्लासिफिकेशन है क्या, और फिर उसके डिफरेंट टाइप को डिस्कस करेंगे, और फिर इंडिविजुअली एक एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी है कि क्लासिफिकेशन किस मशीन लर्निंग के टाइप्स के अंदर लाए करती है, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग के हवाले से हम शुरू से काम कर रहे थे, और हमने ये देखा कि रिग्रेशन का जो टॉपिक है वो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर ही काउंट होता है। ऑल दो क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है वो भी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर है। क्लासिफिकेशन की क्या डेफिनेशन है और किस तरह से वर्क कर रहा होता है, ऑल दो वो तमाम चीज़ें हम आगे जाकर डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो चीज़ हमें समझनी है वो है व्हाट इज़ डेटा एंड हाउ मैनी इट्स टाइप। तो अगर मैं वेरिएबल्स या डेटा की बात करूं, क्योंकि वेरिएबल हम इस्तेमाल ही किसी डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, तो इस स्लाइड के मुताबिक हमारे पास डेटा जो है वो दो टाइप्स के हैं, एक कैटेगोरिकल है और एक न्यूमेरिक है। तो कैटेगोरिकल की अगर मैं बात करूं तो ऐसा डेटा जहां पर आप एक जब डेटा को सेव करते हैं तो उसकी डिफरेंट कैटेगरी हो सकती है। जैसे आप स्लाइड पे भी देख रहे हो कि कैटेगोरिकल डेटा दो टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड हुआ है। फर्स्ट टाइप हमारा नॉमिनल है और सेकेंड उसमें ऑर्डिनल है। तो व्हाट इज़ नॉमिनल? नॉमिनल डेटा टाइप्स के अंदर अगर मैं एक जेंडर की बात करूं, एक वेरिएबल के अंदर आपने एक जेंडर मेल या फिर फीमेल को सेव किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये डेटा इस वक्त एक नॉमिनल कैटेगोरिकल फॉर्म पर मौजूद है, क्योंकि ये मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। इन दोनों के अलावा यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती इस एट्रीब्यूट में कैटेगोरिकल के रिस्पेक्ट से। इसी तरह से दूसरी जो एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है वो कलर्स की लिखी हुई है, यानी अगर मैं किसी कैटेगोरिकल वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू सेव कराता हूँ रेड, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कलर्स के ही नेम सेव हो सकते हैं। उनकी कैटेगरीज बनी हुई है कि कौन सा कलर का नाम क्या है, किस कलर का कौन सा नाम है, ठीक है। RGB फॉर्म पर कलर मौजूद है, CMYK के फॉर्म पर, कैटेगरी के फॉर्म पर वहाँ पर कलर्स मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ें कैटेगोरिकल के नॉमिनल टाइप्स के अंदर लाया करती हैं। जबकि इसी तरह एक टाइप जो है हमारा ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल के अंदर नॉर्मली हम अपने डेटा को कंपैरेटिव डिग्री में डिवाइड करते हैं। जैसे एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है जहाँ पर पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है एंड सुपरलेटिव है, तो इसी तरह से हमारे पास कुछ वैल्यूज़ भी हो सकती हैं जो ऑर्डिनल फॉर्म पर कैटेगराइज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी एक प्रोडक्ट की बात करता हूँ, तो उस प्रोडक्ट के अंदर वो साइज़ वाइज डिवाइड होते हैं कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो इस तरह का जो डेटा होता है वो ऑर्डिनल कैटेगोरिकल डेटा टाइप्स के अंदर काउंट होता है। इसी तरह से किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, उसके ग्रेड्स हैं, तो ग्रेड्स का भी जो डेटा है वो कैटेगोरिकल ऑर्डिनल फॉर्म पर मौजूद है, ABC एंड ऑनवर्ड, इस तरह से वहाँ पर वो तमाम वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। दूसरी टाइप हमारे पास वेरिएबल या डेटा में न्यूमेरिक है, यानी एज अ नेम सजेस्ट कि यहाँ पर डेटा जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म पर मौजूद है आपके पास, और इस न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर डेटा फर्स्ट टाइप हमारे जो है वो कंटिन्यूअस मौजूद है। तो कंटिन्यूअस डेटा से क्या मुराद है? कंटिन्यूअस डेटा ऐसे डेटा जो हम देखते हैं कि एक खास लिमिट के बाद चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली। फॉर एग्जाम्पल एज की बात करें तो डे टू डे एज के अंदर हमारी चेंजेस आ रही हैं। इसी तरह हाइट है, एक खास स्पेसिफिक एज तक हमारी हाइट क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। ऑल दो वो चेंजेस जो हैं वो बिल्कुल माइनर से ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसमें चेंजेस होती रहती हैं। तो ये डेटा हमारा क्या है? कंटिन्यूअस डेटा है, लेकिन ये डेटा भी हमारे न्यूमेरिक फॉर्म पे ही है। इसी तरह से दूसरा जो डेटा है उसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस नहीं आती, एज लाइक कॉन्स्टेंट वैल्यू वो बिहेव करता है, जिसको हम डिस्क्रीट कहते हैं। डिस्क्रीट में क्या से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी के साथ वो मौजूद है, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ बिजनेस किसी ऑर्गेनाइजेशन की है तो वो एक फिक्स काउंट पर वहाँ पर मौजूद है। तो यही वजह है कि जब हम रिग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ते थे तो वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि जो प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी वो कंटिन्यूअस वैल्यू होगी, ठीक है। तो कंटिन्यूअस वैल्यू से मुराद क्या है? वो चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, जैसे आपके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ते हैं तो आपकी सैलरीज बढ़ती है। तो ये कंटिन्यूअस डेटा को यहाँ पर क्या कर रहा है? वो शो कर रहा है। तो इस स्लाइड के अंदर हमने डेटा को देख लिया कि वेरिएबल्स या डेटा किस फॉर्म पर हो सकते हैं, और फर्दर उन दोनों की अलग अलग दो टाइप्स किस तरह से वर्क कर रही होती हैं। अब मूव करेंगे आगे अपने उस टॉपिक की तरफ जो हमारा मेन फोकस है जिस पे, और वो है क्लासिफिकेशन। तो डेफिनेशन पे बताया जा रहा है, अनलाइक रिग्रेशन वेयर यू प्रेडिक्ट अ कंटिन्यूअस नंबर, यू यूज क्लासिफिकेशन टू प्रेडिक्ट अ कैटेगरी। रिग्रेशन के अंदर हम प्रेडिक्ट किया करते थे कंटिन्यूअस वैल्यू को या कंटिन्यूअस नंबर को, लेकिन क्लासिफिकेशन के अंदर आप एक कंटिन्यूअस नंबर को प्रेडिक्ट नहीं करते, बल्कि उस वैल्यू की कैटेगरी को प्रेडिक्ट करते हैं कि इस वैल्यू का ताल्लुक किस कैटेगरी से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो सेपरेट कैटेगरी है और एक नया नंबर या नया डेटा सेट आप उस कैटेगरी के अंदर ऐड करवाते हो, तो क्लासिफिकेशन प्रेडिक्ट करके बताएगी कि ये जो न्यू इनपुट है इसका ताल्लुक कैटेगरी ए से होना चाहिए था या होना चाहिए, या कैटेगरी बी से होना चाहिए।
तो यही चीज़ हमारी क्लासिफिकेशन कहलाती है. आगे फर्दर लिखा हुआ है, देर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन फ्रॉम मेडिसिन टू मार्केटिंग. डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन है जो मेडिसिन से मार्केटिंग के दरमियान मौजूद हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशन मॉडल इंक्लूड लीनियर मॉडल लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन. जिस तरह से हमने रिग्रेशन के अंदर लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन को पढ़ा था, इसी तरह क्लासिफिकेशन में भी हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन क्लासिफिकेशन मौजूद है, जिसमें से लॉजिस्टिक रिग्रेशन है हमारे पास. जबकि अगर मैं नॉन लीनियर की बात करूं तो इसी तरह के एन एन है हमारे पास, कर्नल सपोर्ट वैक्टर है मशीन, और इसी तरह सपोर्ट वैक्टर सिंपल मशीन है जिसको हम लीनियर सपोर्ट वैक्टर मशीन कहते हैं, और इसी तरह रैंडम फॉरेस्ट है. तो ये डिफरेंट टाइप्स के कुछ क्लासिफिकेशन थे. ऑल दो जो जो हम अपकमिंग सेशन में पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हमने यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ना है, और इसी तरह के नेस्ट नेबर पढ़ना है, सपोर्ट वैक्टर मशीन है, इसी तरह कर्नल सपोर्ट वैक्टर है, नैव बेस है, डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन एंड रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन मौजूद है. लेकिन इस सेशन के अंदर हमारा फोकस क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन के बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन पर होगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या चीज़ है. आगे चलते हैं. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है कि एक्चुअली लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है. तो डेफिनेशन पे बताया जा रहा है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मैथड फॉर एनालाइजिंग अ डेटा सेट इन विच देयर आर वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट डिटरमाइन एन आउटकम. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मैथड है जो कि एनालाइज किया जाता है डेटा सेट को, और वो डेटा सेट किस पे डिपेंड करता है, या उस डेटा सेट के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं या इसी तरह एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जो कि हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि हम मालूम कर सकें कि इसका आउटकम क्या है. द आउटकम इज मेजर्स विथ आ डाइकोस्टमस वेरिएबल इन विच देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स. तो इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जो हमारा आउटकम होता है वो हमेशा दो वैल्यूज़ पर बेस करता है, यानी ज़ीरो या फिर वन, इसी तरह हम उसे ट्रू या फिर फॉल्स कह सकते हैं. आगे फर्दर बताया जा रहा है, इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज बाइनरी और डाइकोटोमस. तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास वो दो नंबर्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया है, तो या तो वो ज़ीरो हो सकता है या वन हो सकता है. इसी के हवाले से आगे जो इट ओनली कंटेन्स लिखा हुआ है कि यहाँ पर वैल्यू वन जो है वो ट्रू या फिर सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है, इसी तरह से ज़ीरो फॉल्स या फिर फेलियर को रिप्रेजेंट कर रही है. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने आसान लफ्ज़ों में समझ लिया कि ये स्टैटिस्टिकल मैथड है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बिहाफ पर प्रिडिक्ट करके आउटकम को बताती है, और इसके अंदर जो आउटकम या प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ होती है वो नॉर्मली दो वैल्यूज़ पर बेस करती हैं, यानी ज़ीरो या फिर वन पर. अब ये ज़ीरो और वन की वैल्यू किस तरह से प्रिडिक्ट होकर आएगी, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जो इसका अपना मॉडल है वो हमें क्रिएट करके देगा. वो किस तरह से है तो अपकमिंग स्लाइड पे हमें वो बात समझ में आना शुरू हो जाएगी. अब यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है प्रोबेबिलिटी का. तो प्रोबेबिलिटी मुमकिन है कि आपने सेकेंडरी लेवल पे मैथ्स के ब्रांच के अंदर ये चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ी हैं तो हम डेफिनेशन से यहाँ पर उसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है. तो प्रोबेबिलिटी इज़ अ लाइकलीहुड और चांस ऑफ ए इवेंट अकरिंग. यानी प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ के अकरेंस के हवाले से बताती है कि ये चीज़ कितने परसेंट चांस हैं कि ये चीज़ होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक जब आप टॉस कर रहे होते हैं तो टॉस करते वक्त हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये 50-50% है कि हेड भी आ सकता है या फिर टेल आ सकता है. तो जो चांसेस की मैं बात कर रहा हूँ 50%, ये इसकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है. फर्दर आगे बताया गया है, प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑफ वे ऑफ अचीविंग सक्सेस, यानी टेल आ रहा है या हेड आ रहा है, ये सक्सेस को जाहिर कर रहा है कि कितने परसेंट चांस है. द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कितने पॉसिबल आउटकम हैं किसी भी चीज़ के, वो उसकी प्रोबेबिलिटी कहला रही होती है. अब आगे दो नए सवालात यहाँ पर आते हैं कि अगर ये क्लासिफिकेशन है तो फिर हम इसे रिग्रेशन क्यों कह रहे हैं, जैसे कि आप नाम पे देख रहे हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, और इसी तरह ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम फिर क्यों कहला रही है. इस बात को समझने के लिए हम एक आसान सी एग्जाम्पल से इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि एक्चुअली ये रिग्रेशन दो अलग अलग क्लासेस को क्लासिफाई करता है विथ रिस्पेक्ट टू रिग्रेशन मॉडल. यानी हम रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए दो अलग अलग क्लासेस को सेपरेट करके प्रिडिक्टेड कैटेगरी प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं. यही वजह है कि रिग्रेशन लॉजिस्टिक को हम क्लासिफिकेशन नहीं कहते बल्कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन कह रहे होते हैं. इसके डिफरेंट नेम हैं, जैसे स्लाइड पर बताया जा रहा है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम बाइनरी रिग्रेशन भी कहते हैं समटाइम, और इसी तरह से जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तादाद हमारे पास जब वन होती है तो ये सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहला रहा होता है,
जिस तरह एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है, और इसी तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जब क्वांटिटी एक से ज़्यादा हो जाती है तो हम इसे मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी कहते हैं। अब यहाँ से हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसकी बिहाइंड वर्किंग होती किस तरह से। तो हमारे पास एक सिंपल डेटा सेट है जिसमें एक्सपीरियंस और सैलरी के रिस्पेक्ट से एक ग्राफ यहाँ पर मौजूद है, और जो स्ट्रेट फिटेड लाइन है वो इस बात को शो कर रही है कि एक्चुअली ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन की एक बेस्ट फिटेड लाइन है, और इस बेस्ट फिटेड लाइन के तहत हम प्रिडिक्टेड वैल्यू बताते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि हमारे पास अब जो नया डेटा सेट आया है वो इस फॉर्म पर है, तो मैं यहाँ से एक पेन ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखो इस प्लॉट पर या इस ग्राफ पर, तो ये बेस्ट फिटेड लाइन इन तमाम डेटा सेट के मिड से गुजर रही है। यही वजह है कि जब लीनियर रिग्रेशन पर हम प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालते हैं तो एक मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ हमें एक वैल्यू मिल रही होती है। लेकिन अगर आप इस डेटा सेट को देखो जो कि कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, और जैसे आउटकम की डेफिनेशन पे भी हमने देखा लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कि इसकी वैल्यू या तो ज़ीरो होती है या फिर वन होती है, तो अब एक कैसी लाइन बनाई जाए जो कि बेस्ट फिटेड लाइन कहलाए। तो अगर मैं इसी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की लाइन को यहाँ पर यूज़ करूँ एज लाइक दिस, तो आप देख रहे हो कि बहुत माइनर सा पार्ट है जो डेटा सेट को हिट कर रहा है बेस्ट फिटेड लाइन के साथ। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो सेंटर एरिया है ये किसी काम का भी यहाँ पर नहीं रह रहा है। यही वजह है कि जब आप इसके बिहाफ पर इससे प्रेडिक्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे तो बहुत ही ख़राब वैल्यू प्रेडिक्ट होकर आएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है उसे हम कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। और वो सिग्मॉइड फंक्शन जब इस पे अप्लाई की जाती है तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से वर्क करना शुरू हो जाती है एज लाइक दिस। ठीक है, मैंने यहाँ पर रफली बनाया, ऑल्दो ये सही फिगर इसकी कैसे होगी वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन थी हमारी वो अब कर्व के फॉर्म पर आना शुरू हो गई। तो ये कर्व फॉर्म से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो डेटा सेट जो सेपरेट दो अलग लाइनों पर मुश्तमिल है उसमें से मैक्सिमम एरिया वहाँ पर उसको टच करता है, और साथ ही साथ हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के साथ वहाँ पर एक्चुअल वैल्यू को प्रेडिक्ट करवा रहे होते हैं। ये काम कैसे हो रहा है बिहाइंड, इस चीज़ को समझते हैं। तो आप देख रहे हो कि इस स्लाइड के अंदर हमने क्या किया है, वही स्ट्रेट लाइन को एक कर्व के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाया गया है। सबसे पहले हम सिंपल फार्मूले की बात करते हैं जो कि लीनियर रिग्रेशन की थी, y इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन। तो ये y का जो स्लोप ऑफ लाइन थी जो कि इस तरह से स्ट्रेट बना करती थी, इस लाइन को हमने यानी इस फार्मूले को y को हमने इस सिग्मॉइड फंक्शन से जो इस कर्व लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है उससे एक्सचेंज कर दिया। तो p का फार्मूला यानी सिग्मॉइड का फार्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस y के। तो जब इस फार्मूले को यानी इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया गया तो इसकी वैल्यू बन गई ln p डिवाइड बाय 1 माइनस p इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन मल्टीप्लाई बाय एक्स वन। तो इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से जब हम तमाम वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो इस कर्व में मूव हो जाती है यानी कन्वर्ट हो जाती है। इस कर्व के बिहाफ पर आप देख रहे हो यहाँ पर मैक्सिमम पार्ट है जो इस डेटा सेट को टच कर रहा है या इससे रिलेटेड है, यहाँ पर इसके साथ मौजूद है, और इसी तरह यहाँ पर भी एक मैक्सिमम पार्ट है जो डेटा को टच कर रहा है या इसके साथ मौजूद है बनिस्बत उस लाइन के जो इस तरह से स्टेट बना करती थी। तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फार्मूला है, सिग्मॉइड फंक्शन है, और उसके बिहाफ पर हमने कर्व को डिज़ाइन करना देख लिया कि एक्चुअली ये कर्व किस तरह से बन रहा होता है और उसकी बिहाइंड वर्किंग कैसे हो रही है। अब वो पार्ट है जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी या समझी थी कि उस प्रोबेबिलिटी का इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या काम है। तो इस वक्त हम ट्रेनिंग स्टेज पर मौजूद हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट से, और कुछ हमारे पास डेटा सेट मौजूद है यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एज एंड ओल्ड एज बेनिफिट्स। ठीक है, तो मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ ओल्ड एज बेनिफिट। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो कैंडिडेट या वो एम्प्लॉय जिनकी एज 35 या उससे ज़्यादा है तो हम उसे क्या दे रहे हैं, ओल्ड एज बेनिफिट्स दे रहे हैं। ठीक है, इस डेटा सेट के मुताबिक, और जिनकी एज 35 से कम है हम उन्हें ये ऑफ़र नहीं दे रहे हैं इस डेटा सेट पर। तो अब यहाँ पर कुछ चांसेस ऑफ अकरेंस आएंगे कि किस डेटा की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप देख रहे हो कि जब ये डेटा सेट इस बाउंड्री वाली लाइन यानी जो बेस्ट फिटेड लाइन थी इससे स्ट्राइक हुई तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये आई। ये प्रोबेबिलिटी आई कैसे, तो सबसे पहले हमें एक थ्रेशोल्ड लेवल सेट करना होगा। थ्रेशोल्ड लेवल से मुराद ये है कि एक बाउंड्री, तो इस थ्रेशोल्ड लेवल को मैंने यहाँ पर कह दिया 0.5। 0.5 क्यों कह रहा हूँ,
इसकी वजह ये है कि यहाँ पर वैल्यू ज़ीरो थी और टॉप पे वैल्यू वन थी जो हम प्रीवियस स्लाइड पे देख चुके हैं, तो इन दोनों के दरमियान मिड वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5। तो इस 0.5 वैल्यू से हम थ्रेशोल्ड की सेटिंग करेंगे कि जो वैल्यू 0.5 से कम है वो जाहिर सी बात है एलिजिबल नहीं होंगे कि हम उन्हें ओल्ड एज बेनिफिट दे सकें, और जो वैल्यूज़ इस 0.5 से विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन यानी जो बेस्ट फिटेड लाइन है उससे ऊपर की तरफ वैल्यू आ रही है उसकी प्रोबेबिलिटी भी यकीनी तौर पे 0.5 से ज़्यादा होगी, और यही वजह है कि उसकी वैल्यू कहाँ पर मूव हो जाएगी वन की तरफ, यानी वो ओल्ड एज बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कि इसमें सिग्मॉइड फंक्शन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल से क्या मुराद है, प्रोबेबिलिटी से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमने चांस ऑफ ऑकरेंस मालूम कर लिया कि जिनकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज़्यादा है हम उसे वन में काउंट करेंगे, और इसी तरह जिनकी वैल्यू 0.5 से कम है हम उसे फॉल्स वैल्यू या फिर नॉट एलिजिबल के फॉर्म में काउंट करेंगे। ये तो ओवरऑल जो थ्योरी थी वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राफ एंड विथ रिस्पेक्ट टू कंटेंट थी। अब हम इसी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को स्पाइडर आईडीई में विद डमी डेटा सेट के साथ परफॉर्म करके भी देखेंगे कि हम किस तरह से इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन को 0 एंड 1 के बिहाफ पर प्रेडिक्टेड वैल्यू को शो करवा सकते हैं, और फिर इसी तरह हम उसको विजुलाइज करके ग्राफ के फॉर्म पे भी देखेंगे कि जो बेस्ट फिटेड लाइन है ये किस तरह से हमारी बेस्ट एक्यूरेसी शो कर रही होती है। तो इस वक्त हमने स्पाइडर आईडीई को ओपन कर लिया और एक सेपरेट फाइल मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है, तो सबसे पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। Go to save as करना होगा। ओके, और इसका हम नाम रख लेते हैं logistic regression। ओके, तो कुछ जो हमारा टैम्पलेट बेस्ड वर्क है वो तो हमेशा ही सेम रहता है, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज हैं हमें वो पहले इम्पोर्ट करना होता है, इसी तरह डेटा सेट। तो हमने लीनियर रिग्रेशन और इसी तरह मल्टीपल रिग्रेशन पर जो काम परफॉर्म किया हुआ है, सबसे पहले जिस पार्ट की हमें ज़रूरत है हम उसे कॉपी कर लेते हैं। तो ये वो हमारा पार्ट है जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसे कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद हम अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पर पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास एक पार्ट होता है फीचर स्केलिंग का, तो उसकी भी मुझे ज़रूरत है, तो हम देख लेते हैं फीचर स्केलिंग हमने कहाँ परफॉर्म किया हुआ था लास्ट टाइम तक। ओके, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन पर मैंने फीचर स्केलिंग को परफॉर्म किया हुआ था हमने, तो हम मैं यहाँ से उसे कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा से हम मूव करके अपने फाइल पर आ जाते हैं। तो ये तो ऑलरेडी वो पार्ट था हमारा जो हम फ्रॉम बिगनर्स से ही स्टार्ट कर चुके हैं और शुरू से हम इस पे काम करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने फ़ाइल के नाम को चेंज कर देते हैं जिसका नाम LR है, और जो डेटा सेट हमारा डिवाइड होगा डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल में वो इस तरह से होगा। पहले मैं लिख कर आपको शो कर रहा हूँ कि एक्चुअली उसकी वैल्यूज़ किस बेस पर है, और इसको हम हटा देते हैं। लेट्स सी, तो सबसे पहले हम इस डेटा सेट की बात करते हैं जिसका नाम यहाँ पर मैंने LR रखा है। ये है क्या? तो ये हमारा एक डमी डेटा सेट है जिसके अंदर क्या मौजूद है, हम एज और सैलरी के रिस्पेक्ट से ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है, कोई भी ख़ास एक प्रोडक्ट है हमारे पास डमी तौर पर, और हम ये प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं इस रियल डेटा सेट से कि किस एज का पर्सन किस सैलरी के बिहाफ पर ये वाली प्रोडक्ट ख़रीदता है या फिर नहीं ख़रीदता है। तो इस वक्त ज़ीरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस एज और इस सैलरी के कैंडिडेट ने या एम्प्लॉय ने ये प्रोडक्ट नहीं ख़रीदा है, जबकि इस एज और इस सैलरी के कैंडिडेट ने इस प्रोडक्ट को ख़रीदा है। तो ज़ीरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नॉट बाय, और वन रिप्रेजेंट कर रहा है बाय। ओके, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 400 रॉस पर मुश्तमिल डेटा सेट है, ठीक है, एंड वन एट्रीब्यूट रिजर्व फॉर द हेडिंग। सो यहाँ पर मैंने 0 और 1 को सेपरेट इसलिए किया है क्योंकि ये जो डेटा सेट है वो हमारा इंडिपेंडेंट को जाहिर कर रहा है, जबकि ये जो लास्ट आउटकम है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। यही वजह है कि हमने इंडेक्स नंबर 2 को स्मॉल वाई के अंदर इनक्लोज किया है। इसके बाद हमारा स्प्लिटिंग पार्ट होता है जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए रिजर्व्ड है, तो लिहाजा मैंने इसमें चेंजेस कॉपी के रिस्पेक्ट से बिल्कुल नहीं किए, लेकिन मैं अपने डेटा सेट के रिस्पेक्ट से इसे 25% में कन्वर्ट कर देता हूँ टेस्ट के लिए, बाकी 75% जो डेटा होगा फ्रॉम डेटा सेट वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने इंपॉर्टेंट पार्ट को यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट द लाइब्रेरीज, इट्स एग्जीक्यूटेड। उसके बाद हमारी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर मौजूद है, तो यहाँ से हम डेस्कटॉप की सेटिंग कर लेंगे, और उसके बाद हम अपने दूसरे चंक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं।
इट्स अंडर प्रोसेस एंड इट्स एग्जीक्यूटेड, और आप देख रहे हैं कि तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर सेट हो चुकी है। इसके बाद हमारा पार्ट होता है टेस्टिंग एंड वैलिडेशन का, जहाँ पर हम अपने ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा सेट को डिवाइड करते हैं। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, ठीक है, हमने मॉडल सिलेक्शन को यूज़ किया scikit-learn से, एंड इट एंटर प्रोसेस एंड इट एग्जीक्यूटेड। इसके बाद हमारे पास फीचर स्केलिंग का है। हम जानते हैं कि फीचर स्केलिंग से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारी वैल्यूज़ पॉजिटिव वन से माइनस वन के दरमियान अरेंज हो जाती है, और इससे बेहतर ये होता है कि हमारी प्रोडक्शन और भी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी के साथ होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि हम फीचर स्केलिंग को परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ फीचर स्केलिंग जो है हमारी वो दूसरे तरीके से हुई हुई है, लिहाजा हमें यहाँ पर चेंज करना होगा, क्योंकि हमने अपने डेटा सेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। लिहाजा इस फॉर्म के बिहाफ पर इस एक्स की जगह हम एक्स ट्रेन को यूज़ करेंगे, और इसी तरह दूसरी लाइन पर हम एक्स टेस्ट को यूज़ करेंगे। जो नाम मेरा एक्स ट्रेन का यहाँ है, हम इसको एट्रीब्यूट को भी वही कर देंगे। ओके, तो एक्स ट्रेन को हमने फीचर स्केलिंग में कन्वर्ट कर दिया, और इसी तरह एक्स टेस्ट को भी हमने फीचर स्केल में टेस्ट कर दिया है। लेकिन हमने अपने एक्स ट्रेन को फिट ट्रांसफॉर्म करना है, जबकि हम अपने एक्स टेस्ट को सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो एक्सी डॉट ओके, तो हमारे वेरिएबल का नाम एस सी है, तो मुझे इस एस सी एक्स को एक्सचेंज करना होगा, और इसे भी, और उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म को यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने ट्रेनिंग डेटा सेट को और इसी तरह टेस्ट डेटा सेट को दोनों को कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड स्केलर फॉर्म में, यानी फीचर स्केल कर लिया है। और अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हैं कि हमारा तमाम डेटा सेट जो है वो जीरोज़ एंड वन के फॉर्म पर यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड स्केलिंग। अब हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के फंक्शन को इम्पोर्ट करते हैं। लिहाजा अब यहाँ पर आने के बाद हम सबसे पहले scikit-learn से हम मॉडल लीनियर मॉडल को इम्पोर्ट करेंगे, और लीनियर मॉडल से हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ कर लेंगे। एक वेरिएबल बनाते हैं क्लासिफायर के नाम से, और इस वेरिएबल के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और जो यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर यूज़ होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ किसका होगा, रैंडम स्टेट का। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्लासिफायर को फिट कर देंगे एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन से। तो जो वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट स्टोर है, तो डॉट फिट एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, तो हेयर इट इज़ एक्स ट्रेन कॉमा एंड हेयर इट इज़ वाई ट्रेन, पेस्ट। सो हम आउट करते हैं। तो ये वो हमारा पार्ट है जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए रिजर्व्ड है। तो इस वक्त हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को किस पर अप्लाई कर रहे हैं, अपने डेटा सेट के ट्रेनिंग पार्ट पर। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल था उसका भी हमने सेपरेट पार्ट ले लिया है जो 75% है, उसी तरह जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका भी हमने 75% लिया हुआ है, और इन दोनों को मर्ज करके हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पर अप्लाई कर रहे हैं। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। ओके, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, एस के लर्न एंड इट्स अंडर प्रोसेस एंड इज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट करने के बाद अब हमें प्रेडिक्टेड वैल्यू को एग्जीक्यूट करना है, और उसके बाद हम टेस्ट वैल्यू और प्रेडिक्ट वैल्यू को मैच करके देखेंगे कि हमारी कैसी एक्यूरेसी रह रही है। लिहाजा एक वेरिएबल बनाता हूँ वाई प्रेडिक्ट के नाम से, वाई अंडरस्कोर प्रेड, और क्लासिफायर डॉट प्रेडिक्ट, ज़ूम करते हैं, और किस वैल्यू पर प्रेडिक्ट अप्लाई करना है हमें, एक्स टेस्ट पर। तो हेयर इट इज एक्स टेस्ट, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड इट्स एग्जीक्यूटेड। एंड हेयर इट इज़ योर वाई प्रोडक्ट, जो आपकी प्रोडिक्टेड वैल्यू आई है, और ये वो ओरिजिनल वाई टेस्ट है जो हमने रिजर्व किया था टेस्टिंग के लिए। तो आप देख रहे हैं
कि 1 से 0 टू 6 तमाम वैल्यूज हमारी बिल्कुल सेम एक्यूरेसी के साथ है, 7 की वैल्यू भी बिल्कुल सही आ रही है, 8 की भी सही आ रही है, लेकिन 9 में हमारी एक्यूरेसी थोड़ी सी अप एंड डाउन हो गई। इसी तरह से तमाम वैल्यूज होगी, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल काम है कि हम पूरे 100 वैल्यूज को एक एक स्लाइड करके देखें। तो लिहाजा क्लासिफिकेशन के अंदर इसकी एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर, उसे हम कहते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ऑल्दो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या चीज़ है, उसकी चार वैल्यू किस तरह से बिहेव करती है, वो तमाम चीज़ें हम एक सेपरेट वीडियो सेशन पे करेंगे जहाँ पर हमें ये बात समझना और भी आसान होगा। लेकिन इस लेवल पर हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को ऐसे समझ लेते हैं कि इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर हमें अपनी ट्रू पॉजिटिव वैल्यू और फॉल्स पॉजिटिव वैल्यू, यानी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू सही होती है उनकी क्वांटिटी और जितनी फॉल्स प्रेडिक्शन होती है उनकी टोटल क्वांटिटी पता चल जाती है। कैसे, चेक करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम sklearn.matrix import confusion matrix, एक वेरिएबल लेते हैं cm के नाम से और उसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, और जो हमारे नंबर ऑफ पैरामीटर होंगे y predict एंड y test। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही के दरमियान हम एक्यूरेसी चेक करना चाह रहे हैं, लिहाजा हेयर इट इज y test, कॉपी पेस्ट, और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आई है वो y predict में मौजूद है, लिहाजा मैंने इसे लिख दिया यहाँ पर। जूम आउट करते हैं तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के कोड दो लाइनों पर यहाँ पे मुश्तमिल है जो हम लिख चुके हैं। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हो कि सी एम वैल्यू रिप्रेजेंट हो चुकी है। इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को अगर आप बगौर देखें तो यहाँ पर हमें ओवरऑल रिजल्ट पता चल रहा है। तो इसे देखते किस तरह से, इसे रीड करने का तरीका ये होता है कि जो डायगोनल वैल्यू बनती है लेफ्ट टू राइट, यानी ये 65 और 24, इन टोटल सम इनका हमारी राइट प्रोडक्शन है, जबकि ऑपोजिट जो डायगोनल है यानी 3 और 8, ये टोटल हमारी फॉल्स कंडीशन है। यानी 11 ऐसी प्रोडक्शन है हमारे पास जो फॉल्स है फ्रॉम 100, और इसके अलावा रेस्ट ऑफ जितनी वैल्यूज़ है वो हमारी राइट प्रोडक्शन हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि 80 to 90 के दरमियान हमारे इस मॉडल की एक्यूरेसी है कि इतने परसेंट चांसेस हैं कि हमारा मॉडल सही वैल्यू प्रेडिक्ट करके देगा। लिहाजा इसकी एक्यूरेसी जानने के लिए हम एक्यूरेसी भी मालूम कर लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो जैसे मैंने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के हवाले से बताया कि हम थ्योरेटिकली आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसी तरह एक्यूरेसी, प्रिसिशन, ये तमाम पॉइंट्स हम आगे जाके थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हमें समझना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन एक्यूरेसी आसान लफ्ज़ों में यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इस लिहाज से समझ लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ चांसेज हैं, यानी कितने परसेंट ऑफ चांसेज हैं कि हमारा मॉडल सही प्रोडक्ट करके हमें बता रहा होगा, हम इस चीज़ को उसकी उस मॉडल की एक्यूरेसी कहते हैं। लिहाजा इसे कैंसिल करता हूँ, जूम आउट करते हैं और एक्यूरेसी मालूम करने के लिए हम इन दोनों लाइनों को दोबारा कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और जहाँ पर मैंने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स लिखा था, ठीक है, इसकी जगह हम लिखेंगे एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर, इसी नेम को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे लिखा, और उसके बाद अगर चाहें तो आप वेरिएबल में स्टोर कर लें, जिस तरह मैंने सीएम लिया था, आप एसी ले लें, ठीक है, एएस ले लें, लेकिन मैं इस वक्त डायरेक्टली प्रिंट करवा रहा हूँ अपने कॉन्सोल पर, लिहाजा इन दोनों लाइनों को हम एग्जीक्यूट करते हैं, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हेयर इट इज़ योर रिजल्ट। तो 0.89 यानी 89% हमारा मॉडल ट्रेन है, फिट है कि 89% जो हमारी एक्यूरेसी है, इतने परसेंट चांस हैं कि जब भी एक न्यू वैल्यू हमारे प्रेडिक्टेड वैल्यू पर आएगी, यानी इस मॉडल पर आएगी, तो 89% चांस है कि वो सही वैल्यू प्रेडिक्ट करके उसे क्लासिफाई करेगा, यानी वो वैल्यू ज़ीरो में है या फिर वन में है, 89% हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ये मॉडल प्रेडिक्ट करके बता सकता है। अब लास्ट में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बारी आती है जिसको हम कहते हैं विजुलाइजेशन। जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही देखते हुए आ रहे हैं कि जब भी हम किसी मॉडल को ट्रेन करते हैं तो ट्रेन करने के बाद हम उसकी विजुलाइजेशन भी देखते हैं, वो कितना बेहतर विजुलाइज होकर हमें दिख रहा है। जैसे कि हमने डेफिनेशन पे भी देखा था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जो बेस्ट फिटेड लाइन है वो स्टेट से सिग्मॉइड फंक्शन के बिहाफ पर एक कर्व पर हो जाती है, लिहाजा विजुलाइजेशन को अब यहाँ पर हम बेहतर तरीके से समझते हैं। ओके, विजुलाइजेशन के लिए हमने सबसे पहले अपने ट्रेनिंग डेटा सेट को विजुलाइज़ करने की कोशिश की है, ताकि ट्रेनिंग डेटा सेट के ज़रिए से हमें पता चला जाए जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम अपने ट्रेनिंग डेटा सेट पर अप्लाई कर रहे हैं तो विजुलाइजेशन किस तरह से हो रही है, और फिर देन फाइनली हम उसी ग्राफ को कन्वर्ट कर रहे हैं टेस्टिंग पे। तो ये जो पार्ट है हमारा वो बिल्कुल वही पार्ट है जो पार्ट हमेशा हम विजुलाइजेशन पे इस्तेमाल करते हैं, जबकि कलर्स फॉर्म पे यानी जीरोज़ एंड वन दिखाने के लिए
कि 0 का कलर क्या होगा और 1 का कलर क्या होगा, उसके लिए हमने यहाँ पर इस मॉडल को यूज़ किया हुआ है, जिस पे आप यहाँ देख रहे हो ग्रीन एंड रेड को रिप्रेजेंट करवाया गया है। जबकि बेस्ट फिटेड लाइन को दिखाने के लिए सर्कल के फॉर्म पे डेटा को हमने X1 एंड X2 के अंदर डेटा को डिवाइड कर दिया, यानी जो डॉटेड पॉइंट थे हमारे उसको हाईली विजुलाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए हमने MESH ग्रिड को इस्तेमाल किया हुआ, ताकि हमारा जो ग्राफ है वो इस MESH ग्रिड के अंदर बेहतर तरीके से विजुलाइज हो। तो लेट्स सी, तो हम अपने ट्रेनिंग डेटा सेट को विजुलाइज करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के रिस्पेक्ट से। सो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हेयर इट इज़ योर ग्राफ। तो जूम करता हूँ मैं, और आप यहाँ पर अपने ग्राफ को आप बिल्कुल बेहतर तरीके से विजुलाइज कर सकते हो कि एज एंड एस्टिमेटेड सैलरी का 2 सेपरेट एट्रीब्यूट है हमारे पास, और ये जो लाइन है ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन की वो लाइन है जो इन दोनों लाइनों को क्या कर रही है, दोनों डेटा सेट को सेपरेट कर रही है। आप ट्रेनिंग के दरमियान देख रहे हो कि ग्रीन पार्ट के अंदर कुछ रेड डेटा मौजूद है, और इसी तरह रेड पार्ट के अंदर कुछ ग्रीन डेटा सेट मौजूद है जो कि इसकी उसके एरर को शो कर रहा है, क्योंकि हमारी जो एक्यूरेसी है वो 89% है। तो यकीनी तौर पर ट्रेनिंग के दरमियान भी कुछ ऐसी अनविलिंगली एरर तो ज़रूर प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से एक्यूरेसी हमारी 100% से कम होती है। लेकिन जब हमने इसी ग्राफ को अपने ट्रेनिंग के बाद टेस्टिंग पे प्लॉट किया है तो हमारी एक्यूरेसी और भी बेहतर हो गई, क्योंकि वहाँ पर जो क्वांटिटी थी वो 75% ऑफ द डेटा सेट था, क्योंकि हमारे पास टोटल जो डेटा सेट था वो 400 रॉस का था, और उसके अंदर हमने 75% को किस में रिजर्व किया हुआ था, ट्रेनिंग में, जबकि 100 ऑलमोस्ट 25 जो परसेंट है वो हमने किसके लिए रखा हुआ था, टेस्टिंग के लिए। तो अब टेस्टिंग डेटा सेट की बारी है, ऑलमोस्ट बिल्कुल वही ग्राफ है, सिर्फ और सिर्फ हमने वैल्यू को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट अगेन एंड हेयर इट इज़। तो आप देख रहे हो कि कितना माइनर सा पार्ट है हमारे एरर का, 0.89 के बाद से जो 0.11 पार्ट है जो एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पार्ट यहाँ पर ग्रीन पर रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, या रेड पर ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इसकी हाईली एक्यूरेसी को शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमने फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देखा कि एक्चुअली लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, क्यों हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन कह रहे होते हैं, वो चीज़ें भी देखी, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट रिग्रेशन की तरह है। रिग्रेशन और सिग्मॉइड फंक्शन को यूज़ करते हुए ये दो अलग अलग क्लासेस को सेपरेट करता है, उसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट करके दे रहा होता है, कैटेगराइज कर रहा होता है, किस तरह से उसकी बिहाइंड वर्किंग थी वो भी हमने देखी, और विथ रिस्पेक्ट टू द कोड भी देखा। अब हम आगे जाएंगे तो इसी कोड यानी इसी टैम्पलेट को यूज़ करेंगे, जिस टैम्पलेट के अंदर मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से लॉजिस्टिक रिग्रेशन को करके दिखाया, इसी टैम्पलेट पर हम सपोर्ट वेक्टर मशीन को परफॉर्म करेंगे, ये क्लासिफिकेशन के एक और टाइप है, इसकी डेफिनेशन और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर कर्नल सपोर्ट वेक्टर देखेंगे एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे जाते रहेंगे। तो तमाम कोड जितनी चीज़ें हमने यहाँ पर परफॉर्म की हैं और समझी हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने ऐड किया हुआ है। इसी तरह जितने भी कोड यहाँ पर लिखे हैं वो तमाम कोड FahadHussainCSBlogspot.com पे भी मौजूद है, ये भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है, तो वहाँ पर जाकर आप फ्रीली कॉपी पेस्ट मेरे कोड को या फिर डाउनलोड कर सकते हैं।